नक्षत्रों की बात पहली दफा हो रही है, केपी एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट टाइम नक्षत्रों को बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी नक्षत्रों की बात हुई है, और जिस प्रकार भृगु नंदी नाड़ी है ऐसी एक मीना नाड़ी भी है। और मीना नाड़ी में क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके प्लैनेट्स के नक्षत्रों को कंसिडर किया जाता है, बट पराशरी में जिस प्रकार आप नक्षत्रों को स्टडी करते हैं और मीना नाड़ी में जिस प्रकार नक्षत्रों को स्टडी किया जाता है उसमें एक स्लाइट डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है कि मान लीजिए पराशरी में किसी प्लैनेट को आप स्टडी कर रहे हैं, वो रोहिणी नक्षत्र में है, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप रोहिणी नक्षत्र के जो ट्रेट्स हैं या जो रोहिणी नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस प्लैनेट की प्रिडिक्शन करेंगे। बट मीना नाड़ी में क्या है, मीना नाड़ी ये देखेगी कि जिस नक्षत्र में प्लैनेट है उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। अब रोहिणी का नक्षत्र लॉर्ड जैसे चंद्रमा है, तो अब क्या है कि मान लीजिए किसी का जुपिटर है, वो रोहिणी नक्षत्र में है, तो पराशरी कहेगी कि जुपिटर को हम रोहिणी नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। लेकिन मीना नाड़ी कहेगी कि जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में है, एक डेफिनेशन ये बनेगी, और चंद्रमा कुंडली में किन भावों को रूल कर रहा है, एक ये डेफिनेशन बनेगी। तो इसमें क्या होता है, मीना नाड़ी में यहां पर आपके लॉर्डशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कर्क लगन का है, और कर्क लगन का व्यक्ति उसका टेंथ लॉर्ड जो है मार्स, वो मान लीजिए मरकरी के नक्षत्र में आ गया, तो अब मरकरी जो है वो कर्क लगन में इन हाउसेस को रूल करता है, तीसरे को और बारहवें को। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम उस फिलॉसफी पे जाएं तो ये फिलॉसफी आपको ये कहेगी कि भाई ये व्यक्ति को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, और वो भी अब्रॉड में करना पड़ेगा, तब जाके इस व्यक्ति के लाइफ में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आएगी। तो मीना नाड़ी कुछ इस प्रकार बात करती है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ने और फर्दर जाकर काम किया, जो कृष्णामूर्ति जी की जो सबसे बड़ी अपनी रिसर्च रही, जिनके बदौलत लोग केपी कर पा रहे हैं, वो रहा कि उन्होंने सबलॉर्ड को डिफाइन किया। प्लैनेट किसी नक्षत्र में है ये चीज तो ऑलरेडी डिफाइंड थी कि भाई 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, वो प्लैनेट किसी कोई उस नक्षत्र के अंडर है तो उसके रिजल्ट आएंगे। बट उन्होंने उसको फर्दर सबलॉर्ड लेवल पर उसको लेकर गए कि अगर हमें किसी चीज की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर तह तक जाना है तो आपको सबलॉर्ड तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो ट्विंस के केस में आती है, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के दो बच्चे हो, अब दो बच्चे हैं, उनका बर्थ चार्ट आपको एक जैसा लगेगा, उनका नारायण भावचलित चार्ट उनका एक जैसा लगेगा, इनफैक्ट कई दफा क्या होगा कि आपको नवांशा भी एक जैसा मिलेगा। लेकिन एक चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस पर अपना कॉमन सेंस यूज करना आप लोगों का बड़ा जरूरी है। जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि भाई एक बच्चा हमारा 10:10 पे जन्मा है और दूसरा बच्चा जो है वो 10:12 पे जन्मता है। लेकिन अगर सोच के देखें, विचार करें, तो 2 मिनट में टेक्निकली 2 बच्चे जन्म नहीं ले सकते। टेक्निकली क्यों बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को वोम्ब से बाहर निकाला, उसका प्लेसेंटिया कॉर्ड आपने कट किया, अब जो दूसरा बच्चा जब तक निकलेगा और उसका प्लेसेंटिया कॉर्ड कट होगा तब तक एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम तो बीत जाएगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा ऐसे कोई बॉल की तरह भी फेंक दिया, उसने प्लेसेंटिया कट कर दिया फिर दूसरे को दे दिया, मतलब इट विल टेक सम टाइम। तो हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 मिनट मिलते हैं, और आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बात यह है कि पराशरी ज्योतिष के अंदर आपको उन दो ट्विंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई इनके लाइफ में क्या क्या चीजें अलग होंगी, भाई एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, एक आर्मी में चला गया, एक जो है वो डेटा साइंस पे काम कर रहा है, तो ये दोनों चीजें डिफरेंशिएट अगर आपने पराशरी बेसिस पे करनी है तो आपको D60 पे जाना पड़ेगा, जिसको आप षष्ठ्यांशा कहते हैं। और षष्ठ्यांशा को वैसे भी पराशर जी ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स जो है अलॉट किए हैं उस चार्ट को, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बताई है पराशर जी ने। ठीक है, तो पूरे षोडश वर्गा के अंदर आपको अगर पूरी बारीकी पे जाना है तो आपको षष्ठ्यांशा पे जाना पड़ेगा, और षष्ठ्यांशा लगभग 1-2 मिनट के स्पैन पे चेंज हो जाता है। अब यहां पर क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस पे, केपी एस्ट्रोलॉजी पे,
और आप सब लोग जानते हैं कि भाई केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम किसी चीज को डिफाइन करने चलते हैं तो हम सब लॉर्ड को सर्वप्रथम जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब मान लीजिए आपके पास दो चार्ट आ गए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि भाई कोई व्यक्ति है वो 29 मई 1989 को जन्मा है, 29 मई 1989 को जन्मा है और वो ट्विंस जन्मे है। अब जो ट्विंस जन्मे है एक बच्चा तो जन्मा है 6:40 पे और एक बच्चा जन्मा है 6:44 पे, प्लेस ऑफ बर्थ दोनों का एक। अब यहां पर एक सर्वप्रथम चीज क्या आएगी, आप बर्थ चार्ट देखोगे एक जैसा लगेगा। मान लीजिए दोनों का फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो दोनों को देखकर ये लगेगा ना भाई ये तो दोनों ही बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। फिर मान लीजिए आपने अगर भावचलित चार्ट भी उठाया उसमें भी अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड जो है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो नॉर्मली भावचलित में हम फोर्थ हाउस को प्राइम हाउस मानते हैं एजुकेशन का, फोर्थ हाउस आपको अच्छा दिख रहा है दोनों में अच्छा दिख रहा है तो भी आपको लगेगा दोनों में ऐसा है। लेकिन जब आप सब लॉर्ड लेवल पर जाकर इस चीज को स्टडी करोगे ना तब आपको डिफरेंशिएट ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा कि हाँ भाई चीजें बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं, अब उसका उदाहरण देखिए। अब ये जो दो बच्चे हैं ये एक 6:40 पे जन्मा है, एक 6:44 पे जन्मा है, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। अब ये जो 6:40 पे जन्मा है इसका अगर हम फोर्थ सीएसएल उठाएं, कौन फोर्थ सीएसएल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एजुकेशन की, ठीक है। तो हमने जब यहां पर फोर्थ सीएसएल को उठाया तो यहां पर फोर्थ सीएसएल बना वीनस, और जब इस व्यक्ति का फोर्थ सीएसएल उठाया जो 18:44 पे जन्मा है इसका फोर्थ सीएसएल बना कौन, सन। अब सन जो है इस कुंडली में वो है मून के नक्षत्र में और वीनस जो है वो है किसके नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में, ठीक। अब वीनस जो है वो कौन कौन से नंबर लेके चल रहा है, 2, 7, 12 और मार्स जो है वो नंबर लेके चल रहा है 1, 6, 8। अब हम सन पे आते हैं, सन कौन से नंबर लेके चल रहा है, सन बैठा 7th में है रूल कर रहा है 10 को, मून बैठा 4 में है रूल कर रहा है 9 को। यहां जो है वो आप नंबर्स को देखिए और यहां जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप देखिए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 40 मिनट पे जन्मा है ये अच्छी एजुकेशन लेगा या जो 44 पे जन्मा है ये अच्छी एजुकेशन लेगा, 44 पे जन्मा है वो अच्छी एजुकेशन लेगा क्योंकि उसके फोर्थ सीएसएल में जो दो एजुकेशन के मुख्य भाव है फोर्थ एंड नाइन्थ वो दोनों आ गए। एक मिनट से भी कम समय में आप ये डिफरेंशिएट कर गए कि किस व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा चलने वाला है। अब जैसे मैं एक और चीज आप लोगों को बताता हूं, आगे जब हम बीटीआर करेंगे ना तो बीटीआर में हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि एक व्यक्ति को फोर्थ सीएसएल क्या मिला, वीनस, एक व्यक्ति को फोर्थ सीएसएल क्या मिला, सन। अब समझ के देखिए फोर्थ हाउस सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, फोर्थ हाउस आपके व्हीकल का भी है, फोर्थ हाउस जो है आपके घर का भी है। तो एक बात हम बोल सकते हैं, अब देखो ये कितना कमाल का विषय है कि जब हम इनके घरों को देखेंगे तो भले इस व्यक्ति ने पढ़ाई ज्यादा अच्छी की है जो 18:44 पे जन्मा है, लेकिन जब आप लग्जरी की बात करोगे तो ये जो 18:40 पर जन्मा है इसके पास लग्जरी इससे ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि उसके पास फोर्थ सीएसएल वीनस के रूप में आ रहा है। तो यहां पर इतनी सारी चीजों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं सिर्फ बात लग्जरी की नहीं है कि अगर आप इसके घर में जाओगे इस व्यक्ति के तो आपको वहां वीनस का प्रभाव मिलेगा। वीनस का प्रभाव क्या होगा भाई, घर जो है अल्ट्रा लग्जरियस होगा, सारी चीजें होंगी। और जब आप फोर्थ सीएसएल सन देखोगे तो सन का प्रभाव आप कैसे चेक करते हो फोर्थ सीएसएल के रूप में, कि व्यक्ति जहां रह रहा है वहां आसपास कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या हो सकता है वो खुद कोई गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा हो या जो गवर्नमेंट के फ्लैट्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रह रहा हो। तो इस तरीके से आपको मिनट के अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है चीजें जो है वो काम कर रही है। तो ये एक ऐसी पद्धति है
कृष्णामूर्ति पद्धति है कि ये विद इन अ मिनट ये डिफाइन कर देती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि लोगों को ये लगता है कि ये एक मिनट गेम है कि भाई बस आपको चार पांच रूल पता चले और आपने उस रूल पे काम कर लिया और बात खत्म हो गई। ये इतनी सरल नहीं है, सरल है बट इतनी सरल नहीं है कि वो तो ठीक है मैंने आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप में बता दिया कि भाई आप इस तरीके से काम कर लीजिए। अब और भी फंडामेंटल्स है देखने के, जैसे मान लीजिए हम व्यक्ति के अपने चरित्र को या उसके खुद के स्वयं के करेक्टरिस्टिक्स को फर्स्ट सीएसएल से डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए ये फोर्थ सीएसएल ना होकर, ये प्लैनेट्स, ये फोर्थ सीएसएल ना होकर ये प्लैनेट्स जो हैं ये फर्स्ट सीएसएल हो, तो फर्स्ट सीएसएल में एक व्यक्ति का सीएसएल क्या बना? वीनस। और फर्स्ट सीएसएल में एक व्यक्ति का क्या बना? सन। तो जिसका वीनस बना उसको लेकर हम बोल सकते हैं कि भाई ये आदमी थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस होगा, ये हाइजीन पर बहुत ध्यान देता होगा, राइट। और जब हम दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे भाई ये थोड़ा अथॉरिटेटिव होगा, थोड़ा इगोइस्टिक भी रहेगा। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट सीएसएल व्यक्ति की अपनी भी इच्छाएं बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वीनस सेकेंड हाउस में बैठा है और ये जो सन है ये टेंथ हाउस में बैठा है, तो अब जो फर्स्ट सीएसएल की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी कि भाई ये जो पहला व्यक्ति है ना जिसका जो वीनस है, क्योंकि वो सेकंड में बैठा है तो सेकंड काफी प्रभावशाली हो गया, प्लेनेट पर्टिकुलरली प्लेनेट जिस हाउस में बैठता है वहां के फल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूती से देता है, तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति जो है ये ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा और ये व्यक्ति जो है ये ज्यादा करियर ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो आप हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं, आप इनफैक्ट ये तक डिफाइन कर सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो बात करते हुए कौन सी वर्ड्स ज्यादा यूज करेगा या किस प्रकार की बोली रहेगी, किस प्रकार का खान पान वो ज्यादा पसंद करेगा, किस प्रकार की बीमारियां इसको रहेंगी, किस प्रकार की बीमारियां उसको रहेंगी। तो ये सब चीजें जो है ना ये बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाती हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात हमेशा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके माइंड में रहनी चाहिए कि कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बेसिकली योग है। योग का अर्थ क्या है? मतलब कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी चीजें प्रॉमिस हुई है। और जो दशा अंतरदशा है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ और लाकर डिलीवर कर देगी, आपको वो वही योग लाकर डिलीवर करेगी जो योग आपकी जन्म कुंडली है। तो आगे फाइनेंस को लेकर और बीटीआर को लेकर भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब आपको ट्विंस के चार्ट आ जाए तो ट्विंस के चार्ट में कुछ एक चीजें ऐसी हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बच्चा चार साल की उम्र से लेना शुरू कर देता है, तो आपको उस बच्चे के एजुकेशन के प्रति जो उसका भाव है, एजुकेशन के प्रति जो उसका लगाव है, उसको देखकर आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा एजुकेशन लेगा या ये बच्चा जो दूसरा है ये ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेगा। तो इससे क्या है, इससे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर